हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं बेंडमिल थ्योरम एक्सरसाइज चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। लिखो भाई कि यूजिंग बेंडमिल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 है और 1,000, ठीक है ना। तो आप इसे ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 0.1 लिखा जा सकता है, 10,000। अब आप यहाँ पे जो है इसे हम इस तरीके से ब्रेक जैसे कर लिए हैं, तो आप इसे ए प्लस बी की होल पावर एन का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन इंटू ए की पावर एन माइनस वन होता है इंटू बी प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। इस तरीके से आप एन टर्म्स तक इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है इसे कंपेयर कर लिया जाए तो ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गया और बी की वैल्यू जो है 0.1 हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो उस पर्टिकुलर केस में और एन की वैल्यू जो है 10,000 आपके पास होगी, ठीक है ना। तो आप इसी 1 + 0.1 को मीन से 1,000 को आप 10,000 को ब्रेक करें तो 10,000 क्या होगा सर, सी जीरो होगा, 1 की पावर आपका 10,000 हो जाएगा ना मेरे भैया लोग। आप बस इस फार्मूले में क्या कर रहे हैं सर, पुट कर रहे हैं एन सी वन की वैल्यू कितने 10,000 सी वन हो गया, 1 की पावर 1 माइनस कर देंगे तो 499 हो जाएगा इनटू आपके पास 0.1 आ जाएगा। इसके बाद जो है 10 मीन्स आप इसे देखो हायर टर्म्स हो गए, इसको आपको रिमूव कर दीजिए, ये हायर टर्म्स आपके हैं, ठीक है ना। इतने से हमारा काम बन जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको पता है कि 10,000 जो आपका सी जीरो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 10,000 आपका सी वन की जो वैल्यू होती है वो 10,000 होती है, तो ये आपके पास वैल्यू आता है, ठीक है। एन सी आर एन की ब्रेक कर करती है तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल से होता है। तो इस तरीके से आप वहाँ से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, तो आपके पास ये 1 हो गया और प्लस आपके पास ये 10,000 आ गया और मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 हायर टर्म को रिमूव किया आपने, तो इस तरीके से 1 प्लस ये क्या आ गया 1,000 आ गया, तो दैट मींस एक डेसिमल से रिमूव हो जाएगा, तो इस तरीके से कितना आ गया 10,000.1 आ गया, ठीक है ना। अब इस तरीके से 1,000.1 का मतलब क्या हो गया कि सर जी 1,000 से तो बड़ा हो गया ना, लार्जर हो गया, बोलो क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपका वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया 1,000 हो गया, बोल समझ में आ गया। तो 1.1 की पावर जो 10,000 होगा वो ग्रेटर होगा 1,000 से, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है सर जी, ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, फाइंड ए प्लस बी की होल पावर 4 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, ए प्लस बी की पावर 4 और माइनस जो है आपका ए माइनस बी की पावर 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आपको तो फाइंड आउट करना पहला, और फिर इसके बाद इसमें एक और वैल्यू फाइंड आउट करना है। लिखा हुआ सर जी √3 + √2 की पावर जो है 4 है, माइनस का जो लिखा हुआ √3 - √2 की पावर 4, ठीक है ना, √3 - √2 की पावर 4। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ, बाकी सर इसकी वैल्यू बताने, देखिए ये इससे फार्मूला राइज होगा और यहाँ से हम जो है क्वेश्चन वैल्यू निकाल देंगे। ध्यान से समझिएगा, जब ए प्लस बी की होल पावर एन आप ब्रेक करेंगे बायनोमियल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके, तो आपके पास क्या जाएगा, 4c0 गया, ए की पावर एन हो गया प्लस 4c1 ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी हो गया प्लस आपका 4c2 ए की पावर एन माइनस, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एन मतलब कितना है सर 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर हो गया प्लस 4c3 ए और बी का क्यूब हो गया प्लस 4c4 इंटू आप लिख सकते हैं ए 0 हो गया, पावर 1 हो गया और बी की पावर कितना हो गया 4। एक पावर डिक्रीज करता है, एक पावर क्या होता है आपका इंक्रीज करता है, थोड़ी सी बस तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसी आवाज हो रही है। आगे नेक्स्ट में माइनस का आपका लिखा हुआ सर जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए माइनस बी अल्टरनेट प्लस माइनस लिखेंगे तो आपके पास 4c0 हो गया, ए की पावर 4 माइनस 4c1 ए की पावर आपका 3 इंटू बी प्लस आपका 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4c3 ए बी क्यू, और इसके बाद जो है आपका प्लस आ जाएगा 4c4 और आपके पास बी की पावर 4। अब यदि आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो आपके पास जो ऑड वाली टर्म है वो प्लस हो जा रहा है, देखिए माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला वो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे वो टर्म। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो हमारे पास इवन टर्म है 0, 2, 4 और 6 0, 2, 4 वो कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, तो आपके पास केवल बच रहा है सर ये 4c1, ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस के तो 2 टाइम्स हो गया 4c1
ए क्यूब बी हो गया सर, इसके बाद जो सर जी 4c2 भी कैंसिल हो जाएगा और आपका 4c3 माइनस है तो ये प्लस की वजह से बचेगा, तो आपका प्लस 4c3, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4c3 इंटू जो है ए बी का क्यूब, ये आपके पास वैल्यू बन करके आएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि जो 4c1 होता है और 4c आपका जो 3 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 4 होती है, ये आपको कहते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन से, ठीक है ना। आप वैल्यू का पुट कर लीजिए तो 2 इंटू आपके पास 4 ए क्यूब बी आ गया प्लस आपका 4 मीन्स जो है ए बी क्यूब आ गया। अब इस तरीके से जो है आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक मीन्स 4 को कॉमन कर लीजिए तो 8 आ गया, ए क्यूब बी प्लस क्या आ गया सर ए बी का क्यूब आ गया। आप देखिए ध्यान से तो ए बी भी कॉमन है, 8 ए बी कॉमन है तो ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया सर बी स्क्वायर आ गया, तो ये आपके पास क्या हो गया सर अराइज हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें जो वैल्यू निकालनी है वहाँ से देख सकते हैं √3 + √2 की पावर क्या लिखा है सर 4, −√3 − √2 की पावर क्या लिखा है सर 4 लिखा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो 8ab मतलब a की वैल्यू √3 हो गया और b की वैल्यू √2 हो गया। अब √3 का स्क्वायर कर लिया प्लस √2 का स्क्वायर कर लिया, तो इस तरीके से 8 मतलब आपको ने पढ़ा है √2 सेम मीन्स रूट है, a टू b है तो ab हो जाएगा, तो 3 2 6 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, तो 4 मीन्स कितना आ गया सर 8 × 5 आ गया, √6 हो गया, दैट मीन्स 40 रूट क्या आ गया सर 6 आ गया। तो आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से आप वैल्यूज को क्या कर सकते हैं ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की क्या करनी थी सर सॉल्विंग करनी थी मेरे भाई बहनों, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो एक बात कहूंगा कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है, ठीक है ना सर जी कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 सी कैसी है, बस ध्यान से अच्छे से देखिए और अच्छे से क्वेश्चंस को आप अप्रोच करेंगे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि शो दैट मीन्स आपको दिया गया है कि फाइंड जो है x + 1 की पावर 6 + x − 1 की पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो x + 1 की पावर 6 है प्लस आपका x − 1 की पावर 6 है, क्वेश्चन मार्क आपने लिख लिया, तो उस पर्टिकुलर केस में हेंस और अदरवाइज इवेल्यूएट √2 + 1 की पावर 6 एंड √2 − 1 की पावर 6, तो आपको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है। तो बात ऐसे किस तरीके से करेंगे तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आप इसे बायनोमियल एक्सपेंशन से ब्रेक करेंगे पावर 6 को, तो ये आपके पास आ जाएगा सर जी 6c0, x की पावर क्या हो गया 6 हो गया, 6c1 हो गया, x की पावर जो है आपके पास 5 × 1 हो गया प्लस 6c2 x की पावर 4, इसके बाद 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 6c3 x की पावर 3, a की पावर x का घटाते जाइए 1 की पावर आप बढ़ाते जाइए, यही फार्मूला बायनोमियल का कहता है। 1 का क्यूब हो गया 6c4 और x की पावर 4, 1 की पावर आपका जो है x की पावर 2, 1 की पावर 4 प्लस 6c5 x और 1 की पावर 5 प्लस जो है 6c6 इनटू x की पावर 0, 1 की पावर कितना आ गया 6 आ गया। सेम ऐसे आप माइनस को ब्रेक करेंगे प्लस आपका जो है c0 x की पावर 6 अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा इसमें, ये चीज आप ध्यान से देख सकते हैं। तो 6c1 हो गया, x की पावर 5 हो गया, 1 को पावर लिखने की जरूरत नहीं है सर जी ना भैया लोग, तो आपके पास उसमें लिख दिया कोई जरूरत नहीं लिखना, लो ले भाई लिख दे रहा ना, नाराज हो जाओ भैया लोग। x की पावर 5 1 का स्क्वायर हो गया माइनस का 6c3, x की पावर आपका 3 1 का क्यूब हो गया प्लस 6c4 हो गया, और फिर इसके बाद जो है x की पावर 2 हो गया और 1 की पावर 4 हो गया, माइनस में 6c जो है 5 हो गया, x की पावर कितना आ जाएगा सर 1 और 1 की पावर 5 आ गया प्लस का 6c6 हो गया, x 0 हो गया, 1 की पावर 6 आ गया, बिल्कुल क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पे भी देखने की बात है, जो इवन वाले टर्म वो सारे जुड़ जाएंगे, ऑड वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि इधर प्लस नीचे माइनस है तो कैंसिल होगा, तो बचेगा 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c2 x की पावर कितना सर जी 4 है प्लस 6c4 और फिर इसके बाद x की पावर 2 और फिर इसके बाद जो है 6c2 x की पावर 4 एंड लास्ट वन आपका होगा 6c6 x की पावर मीन्स 6c होगा और x की पावर 0 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। इस तरीके से आपके पास ये क्या गया सर वैल्यूज आ गया है ना मेरे भैया लोग, देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये 2 टाइम्स हमने लिख दिया। अब आपकी कोफिशियंट की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 6c0 को बताएगी सर जी कितना होता है, 6c0 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और 6c6 की भी वैल्यू 1 होता है, ठीक। 6c2 की जब आप बात करेंगे तो उस केस में आपके पास कितना आएगा सर, तो आपके पास जो है 6c2 की वैल्यू यदि आप ध्यान से देखें
तो आपके पास जो है यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिए, 1, 6, 15, 20, 15 आपको भी है सर, ये पास्कल ट्रायंगल से लिख रहा हूँ, और फिर इसके बाद 6 और फिर 1, ठीक है। तो आपके पास जो 6 मतलब 6C1, 6C2 की वैल्यू जो आएगी सर वो 15 होती है, 6C1 की वैल्यू यानी 2 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर 15, और इसके बाद 6C4 यहाँ पे ध्यान से देख ले सकते हैं, 6C3 की वैल्यू जो है 6C0, 6C1, 6C2, 6C4 की वैल्यू 20 हो गया, 6C5 की वैल्यू अगेन 15 होगा, और 6C6 कितना हो गया सर, ये टोटल 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। तो ये 6C0, 6C1, 6C ये पास्कल ट्रायंगल से लिख रहा हूँ, या एक्सपेंशन कर सकते हो 6C2, 6C3, 6C4 एंड 6C5 और 6C6, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या 6C2 है तो 15 हो गया, अगला सर जी 6C4 है उसका भी वैल्यू 15 ही है, और फिर एक 6C6 है उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है ना सर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यानी 0। तो आपके पास ये कोफिशियंट आ गया, तो यहाँ पे आपका 2 × हो गया, 1 × मतलब x की पावर 6 हो गया, 6C2 का मतलब 15 होता है, x की पावर 4 हो गया, ये भी 15 ही होता है, और इसके बाद जो है आपको 1 होंगे, ठीक। अब यहाँ पे सर जी आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास आ गई इसकी वैल्यू, अब इसी में वो वैल्यू जब पुट कर दीजिए तो √2 + 1 की पावर 6 हो गया, और +√2 − 1 की पावर 6 हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू आ गया 2 × √2 की पावर कितना हो गया सर 6 हो गया, 15 × √2 की पावर 4 हो गया, +15 × √2 की पावर 2 हो गया, और प्लस का क्या गया सर 1 आ गया। अब आप यहाँ पे जो है 2 × √2 का मतलब पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 बनेगा मतलब 8 आएगा, 15 × 2 आएगा, और इसके बाद √2 का 2 हो गया 4 आएगा सर, कितना आएगा 4, और ये आपका 2 हो गया 15 × 2, और प्लस का 1 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यूज आ गया मेरे भैया लोग 2 × 8 + आपका 15 × 4 = 60 हो गया, 15 × 2 = 30 हो गया, +1 हो गया, ठीक है ना सर। तो 2 × 60 = 90, 98 और 1 = 99 हो गया, तो 198 आपके पास इस तरीके से क्या है सर आंसर आ गया। तो आपको मेन चीज़ क्या है, वैल्यूज हमने कंपेयर के एक्स की जगह पे क्या लिखा सर √2 लिखा है और 1 है, तो इस तरीके से आपका दूसरा वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। ओके, थैंक यू।